मुकुट साम कीन्हा सवन समीप भय सीत के सातान के पास में बाल सफेद हो गया। सवन समीप भय सीत के सा कहा था उनकी जवानी आ गई का बुढ़ापा गई। सवन समीप भय सीत के सा मन भूजरठ पान अस उपदेशा। मानो बुढ़ापा आ गई, उपदेश दे रहा है राजा दशरथ, तुम्हारी बुढ़ापा आ गई और तुम अब जाओ भजन करने के। मुकुट तो सोझा कर लिया, लेकिन राम का विवाह होते ही राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक देने के लिए तैयार किया कि मेरा मुकुट टेढ़ा होगा। अच्छा, मालिकों के पास में मुकुट होता, मुकुट आप लोगों के पास मुकुट है ना, जितने मालिक होंगे मुकुट होगा है नहीं? अरे मुकुट तब समझो मालिक जी कि मेरा मुकुट सोज है। जब आप कहीं मदारपुर से या हाजीपुर से आओ, घर वाले एकदम शांत हो जाएं, अरे मालिक साहब आ रहे हैं, तब जानो कि मेरा मुकुट सोज है। और जब हाजीपुर से या मदारपुर से आओगे ना और घर आओगे तो कोई कोई चिंता नहीं, हरदम बोल रहा है जानो मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, अब इसको खुशी दे। चौथा पन आए, अब हम लोग तो बाल रंग लेते हैं ना, ना? अब तो बकरा मती बाल हो जाता है, लाल लाल पियर पियर हो जाता ना, पहले काला होता था फिर उजर होता, अब तो रंग ले रहे हो का जवानी है। लेकिन चौथा पर आने के बाद भजन करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज जी से महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव अब भजन का समय आया गया है, अब मैं राज्य किसको दूं, कोई संतान मेरे पास नहीं है। कहा चार चार बेटे होंगे। कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यज्ञ होगा और यज्ञ में आहुति